हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनास किचन। आज हम बनाएंगे हक्का नूडल्स। हक्का नूडल्स बहुत लोगों को पसंद होता है लेकिन घर में नहीं बना पाते, इसीलिए बाहर का खाना पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आसान तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल में हक्का नूडल्स घर में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हक्का नूडल्स रेसिपी। इसके लिए मैंने 200 ग्राम नूडल्स लिया है, 1 कप गोभी लिया है जो मैंने पतला स्लाइस में काट लिया है, 1/2 कप स्प्रिंग अनियन, 1/2 कप गाजर, 1/2 कप शिमला मिर्च और 1/2 कप प्याज लिया है। गाजर, शिमला मिर्च और प्याज को भी पतला स्लाइस में काट लिया है। 2 हरी मिर्च स्लाइस में काट लिया है, 1 चम्मच अदरक और लहसुन को भी बारीक काट लिया है, या फिर आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज कर सकते हो। 2 से 3 चम्मच सोया सॉस लिया है, 2 चम्मच विनेगर, नमक स्वाद अनुसार और जरूरत के हिसाब से तेल। गैस के ऊपर एक कढ़ाई गर्म करें और 2 ग्लास पानी डालें और पानी में थोड़ा नमक और 1 चम्मच तेल डालें। तेल डाल के नूडल्स को बॉईल करने से नूडल्स चिपकता नहीं है। पानी गर्म होने पर उसमें नूडल्स डालें और 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करें। चार से पांच मिनट के बाद कढ़ाई को गैस से उतार दे और नूडल्स को छलनी से छान ले। अब नूडल्स को एक पतली में ठंडा पानी में डाल दे। गैस के ऊपर एक कढ़ाई गरम करें और उसमें 3 से 4 चम्मच तेल डालें। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो अच्छा है। नूडल्स को मिक्स करने के लिए बड़ी कढ़ाई में आसानी होती है। अब हरी मिर्च और अदरक लहसुन डालें। अब प्याज डालें और थोड़ा सा फ्राई करें। फिर उसमें गोभी डालें और हल्का सा फ्राई करें। अब उसमें गाजर डालें और लगभग 1 मिनट के लिए फ्राई करें। एक मिनट के बाद शिमला मिर्च डालें और 2 मिनट के लिए फ्राई करें। ये देखिए, मैंने नूडल्स को ठंडे पानी में रखा है। इससे नूडल्स सॉफ्ट है परंतु चिपचिपा बिल्कुल नहीं है। अब नूडल्स को ठंडे पानी से निकल कर कढ़ाई में डाल दें। इसमें अब 2 से 3 चम्मच सोया सॉस और 1 से 2 चम्मच विनेगर डालें और नमक स्वाद अनुसार डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। नूडल्स मिक्स करने के लिए 2 बड़े चम्मच यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। अब उसमें स्प्रिंग अनियन डाल दे और अच्छे से मिक्स कर ले। आप चाहे तो उसमें 1/4 चम्मच सोया सॉस डाल सकते हो।
सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक मिनट के लिए पकने दें। स्वादिष्ट हक्का नूडल्स तैयार है। नूडल्स को शेजवान सॉस और टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द ही एक और न्यू रेसिपी के साथ।